अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई फॉर इलम। फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं कैनवा की तरफ और आज के लेसन के बारे में देखते हैं। सो अगेन सिंपली क्रिएट आर्ट डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ और अब की बारी मैं कस्टम साइज की बजाय यहीं से कोई एक साइज जो है वो पिक कर लेता हूँ। सो एजुकेशनल प्रेजेंटेशन का मैंने साइज चूज कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मेरे पास अगेन एक आर्ट बोर्ड आ गया है जैसा हमारे पास पहले आया था। और इसके बाद हम लोग एलिमेंट्स को चूंकि एक्सप्लोर कर चुके हैं और इसके बाद अपलोड्स का ऑप्शन है जिसमें हम लोग अपनी खुद की जो चीज़ें हैं, इमेजेस वगैरह, अगरचे वो इंटरनेट से डाउनलोडेड हों या हमारी पर्सनल पिक्चर्स हों, तो उनको अपलोड करते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन हमारे पास है वो टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो टेक्स्ट के ऑप्शन को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि टेक्स्ट का ऑप्शन बेसिकली है क्या। तो सिंपली मैं टेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो गए हैं और इन ऑप्शंस को आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड अ हेडिंग का ऑप्शन है। हेडिंग के हवाले से अगर आप क्लिक करते हैं तो ऐड अ हेडिंग यहाँ पर आ गया है और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं जैसा कि मैं करूँगा, आई फॉर इलम। तो ये मैंने अपनी मर्जी से एक हेडिंग यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में और इसको मैं ड्रैग करके टॉप पर ले गया। इसके बाद एक सब हेडिंग जो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इस पर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब कर दो। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर हेडिंग्स ऐड करते हैं। इसी तरह आप नीचे भी देख रहे होंगे, नीचे कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। इसमें रिसेंटली यूज्ड मेरा एक टेक्स्ट है, मेरा काफ़ी फेवरेट डिज़ाइन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको स्क्रीन पे मैंने ऐड कर लिया है। सो इसके अंदर भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अगेन हम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान का हमने पाक लिख लिया है और तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर पाकिस्तान 001। अभी हम लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज करने और इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं जा रहे, सिंपल से हम चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के जाएंगे ताकि वो स्टूडेंट्स, वो लोग जिनको बिल्कुल भी एडिटिंग का नॉलेज नहीं है, वो भी चीज़ों को बआसानी सीख सकें। सो ये कुछ टेक्स्ट मैंने ऐड किए। इसी तरह नीचे बाकी के टेक्स्ट भी हैं, इनको भी आप बिल्कुल ऐसे ही टैप करके ऐड अप कर सकते हैं। जितने भी टेक्स्ट हैं इन सबको एक्सप्लोर करें, इन सबको ऐड करें, चीज़ों की प्रैक्टिस करें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।